ये प्राचीन जगह है। 9 लाख वर्ष पूर्व माता ही देवता पूजित देवता है, देवता भी इनको पूजे हैं। पूरा दिखाइए अभी मंदिर को, फिर थोड़ा सा अंदर चलेंगे। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ उमगा, जो कि मदनपुर थाना में पड़ती है और एक मदनपुर गांव भी है, उसी के नाम से प्रसिद्ध है उमगा। और विश्वकर्मा भगवान जी ने 3 मंदिर रातों रात तैयार किया था, उमगा, देव और देवकुंड। तो दोस्तों अभी वहीं पे आया हूँ और मैं आपसे पूरा मंदिर दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं भैया से बोलूँगा पूरा पहले मंदिर दिखा दीजिए, फिर आपको मैं कुछ बताता हूँ। पहले भैया मंदिर दिखा दीजिए पूरा। ये दोस्तों पूरा पहाड़ पे स्थित है, इसके मंदिर पास चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाया गया, जो कि काफ़ी लंबी सीढ़ी है, उसको हम चढ़ेंगे। तो चलेंगे अभी ऊपर और दिखाएंगे आपको और मंदिर कैसा है और कैसा क्या नहीं है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और कुछ बातें करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लंबी सीढ़ी लगाई गई है और यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है, तो मैं आपको बताऊंगा किस टाइम भीड़ लगती है, किस टाइम भीड़ नहीं लगती है। अभी तो उतनी भीड़ नहीं है, तब पर भी संडे के दिन 10,000 लोग आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के पास, फिर आपको पूरा रहस्य बताएंगे उस मंदिर के बारे में। ये मंदिर ये बैक साइड से है और चलेंगे फ्रंट साइड में और कुछ रहस्य बाबा लोग से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं। ये जो मंदिर है सूर्य मंदिर है, तो चलते हैं पहले मंदिर के पास, आपको दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग। और दोस्तों यही है सूर्य मंदिर, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरा दिखाइए अभी मंदिर को, फिर थोड़ा सा अंदर चलेंगे। और देखिए दोस्तों ये है अंदर का नज़ारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। ये है दोस्तों पूरा अंदर का नज़ारा और यहाँ पे सारी सभी लोग की मन्नत पूरी की जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है पुजारी श्री कृष्णानंदन पाठक, मंदिर का इतिहास। भैया थोड़ा जूम कीजिए वहाँ पे, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इतिहास के बारे में। और इधर भी पूरे सारे भगवान जी हैं और अंदर भी आपको दिखा रहा हूँ पूरा। देखिए पूरा भीड़ लगा हुआ है अंदर, अभी अंदर जा नहीं सकते हैं। और दोस्तों अभी ये काफ़ी ऊंचा पहाड़ भी है और चलेंगे ऊपर पहाड़ के ऊपर, और जितने भी मंदिर है आपको पूरा मंदिर का स्थापना वो करवाएंगे, सह कराएंगे। और यहाँ पर 52 श्रृंखलाएँ मौजूद है, यानी 52 मंदिर मौजूद है। तो चलते हैं पहले ऊपर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ऊपर और यहाँ पे एक जलकुंड है, और ऐसा कहा जाता है कि ये पानी कभी सूखता नहीं है, बस एक बार सूखा था जब से इस मंदिर का स्थापना हुई थी, तब से एक बार सूखा है। मैं भैया से बोलूँगा पहले आप जलकुंड दिखाइए। और ये जल देव मंदिर से आते, जो देवकुंड है वहीं से आती है जल, और ये पानी कभी सूखती नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं आप, और हमारे साथ एक भैया जुड़ चुके हैं जो भैया बताएंगे इस जलकुंड के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत भी आपका। जी आपका भी। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं जुड़ाई से आए हैं, यहाँ ससुराल होता है। और आप यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं? हाँ पूजा करने आए थे। और इस जलकुंड के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये जलकुंड है, कभी सूखते नहीं है जी, हमेशा इसमें जल भरा रहता है। नहीं ऐसा कहा जाता कि एक बार सूखा था ये जल। सूखा होगा पर हम लोग देखे नहीं, हम जब भी आते हैं हम लोग बराबर आते हैं, महीने में एक बार जरूर चले आते हैं, लेकिन कभी भी सूखा हुआ नहीं देखे। और छोटू नहाएगा इसमें? एक देखो छोटू इधर देखो, नहाएगा इसमें? नहाओगे इसमें? नहीं नहीं। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहीं पे एक मंदिर भी है, गणेश जी और शंकर जी के मंदिर है, मैं आपको दिखाऊंगा जलकुंड के पास ही। आइए आपको दिखाते हैं मंदिर। ये है देखिए गणेश जी और
शंकर जी हैं। यहाँ पे कितने बहुत आस्था साथ हैं, यानी कि विश्वास लेकर आते हैं कि मेरी इच्छा यहाँ पे पूरी की जाएगी। और इसके पास में ही एक और मंदिर है, वो मंदिर है, तो चलिए उस मंदिर के पास चलते हैं। ये काफ़ी ऊंचा है पहाड़, और पहाड़ के ऊपर ये सारा मंदिर स्थित है। रास्ता दो। और दोस्तों अभी मंदिर के पास पहुंच गए हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन से भगवान हैं। यहाँ पे भी शंकर जी है, यहाँ पर भी शंकर जी हैं। मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा। मंदिर को तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सबसे ऊपर, जो मंदिर के पहाड़ के सबसे ऊपर आ चुके हैं। अभी हमारे साथ एक बाबा जी जुड़ चुके हैं, मैं आज उनसे कुछ रहस्य जानूंगा। तो आइए बाबा से कुछ बातें करते हैं। तो भैया थोड़ा सा उधर चल जाएगा। सबसे पहले आप दोनों बाबा को स्वागत है मेरे चैनल में। नाम क्या होगा बाबा? ब्रह्मानंद पाठक। और आपका? मेरा नाम दिलीप पाठक है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहा बाबा कि इस मंदिर का स्थापना कब हुई थी और किसने करवाई थी? इस मंदिर के बारे में इतिहास में नहीं लिखा गया है जी बाबा, लेकिन जो नीचे जो मंदिर है उसके बारे में बताया जाता है कि 1462-63 के लगभग में जी बाबा उसका स्थापना हुआ था। इस मंदिर के बारे में, ये मंदिर के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ इसका भी एक शिलालेख है, समझे कि नहीं, लेकिन उसमें यह वर्णित नहीं है कि ये मंदिर कब का है, क्योंकि ये मंदिर उससे पुराना मंदिर है, समझे कि नहीं। और इस पहाड़ में मैंने देखा कि काफ़ी भगवान जी है, कितने भगवान जी यहाँ पर टोटल है? भगवान के बारे में नहीं, इस जो पहाड़ जो आप चढ़ रहे हैं नीचे से, इस पहाड़ पर पूरे 52 मंदिरों का श्रृंखला है, समझे कि नहीं, 52 मंदिर हुआ करता था, समझे कि नहीं। और अभी नहीं है, अभी बीच में जो आक्रांताओं के वजह से ध्वस्त कर दिया गया औरंगजेब के शासन काल में जी। तो कुछ मंदिर अभी 10-11 मंदिर बचे हुए हैं, समझे कि नहीं। जो नीचे आ पाए वो सूर्य भगवान का मंदिर है, समझे कि नहीं, राजा भैरवेंद्र के द्वारा स्थापित मंदिर है वो। बाबा ऐसे कहा जाता है कि ये मंदिर विश्वकर्मा भगवान ने स्थापित किया था, देव मंदिर, देवकुंड और उंगा, ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो कलाकारी देखने को मिल रहा है जी, वो कलाकारी आम जनमानस के बस की बात है ही नहीं, समझे कि नहीं। और जैसे कैसे कहते हैं, किसी छोटे बच्चे को अगर ज़्यादा विद्वता हो उसके पास तो हम कहते हैं कि डायरेक्ट सरस्वती का कृपा है उनके ऊपर, समझे कि नहीं। तो ऐसा भी है कि जो इस मंदिर को बनाया होगा उस पर साक्षात ही विश्वकर्मा का कृपा होगा, भगवान विश्वकर्मा का कृपा होगा, तभी उस पत्थर को वैसा रूप देकर के बना पाया। कहा जाता है कि मंदिर बनाया नहीं गया है, रातों रात रेडी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जो हम कह रहे हैं कि उस टाइम तो